हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इंस्टीट्यूट सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था कि पटवारी भर्ती मुझे तो खैर ये सोच के हंसी आ रही है, ये बोल के हंसी आ रही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अपन बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती स्पेशल परीक्षा पे कि पटवारी स्पेशल परीक्षा जो होने वाली थी या होने वाली है उसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, पंचायत के चुनाव की तारीख नहीं आई थी, उसके पहले मैंने आपको बता दिया था पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और ठीक कुछ दिन बाद ही पंचायत चुनाव आ गए। ठीक है, अब देखो पंचायत चुनाव आ गए हैं, ठीक है ना, तो अब सरकार ने एक नया गेम खेला है कि भाई चुनाव से पूर्व हर फील्ड में, कोई सी फील्ड की बात करें, चाहे पुलिस से लेकर के शिक्षा विभाग से लेकर के एक्स वाई जेड मध्य प्रदेश शासन के अंदर जितनी भर्ती होती है, सारी फील्ड की बात करें अपन, तो चुनाव से पहले लगभग 20 लाख ट्रांसफर करना है। ठीक है, कितने लाख ट्रांसफर करना है? 20 लाख ट्रांसफर करना है। ठीक है, जो सरकारी नौकरी में है अभी वो उनके ट्रांसफर सबके होने वाले, जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, हर विभाग में ट्रांसफर होंगे। कितने ट्रांसफर होंगे? 20 लाख ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है, वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ की जगह। ठीक है ना, वो सब समझदार है कि ट्रांसफर क्यों होते हैं, वो ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने जिले में जाने के लिए ट्रांसफर अपने जिले में करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, सबको पता है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो 20 लाख ट्रांसफर होने वाले हैं, सीधी सीधी बात है, ट्रांसफर करेंगे पैसा मुँह से निकल ही आता है, तो सीधी सीधी बात है 20 लाख ट्रांसफर होने वाले हैं, तो जो भी है वो सब सरकार के पास जाने वाला है। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के ये है कि अभी अपने को सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, तो सीधा सीधा पटवारी स्पेशल परीक्षा में भी यही देखने को मिलेगा अपने को कि अब पटवारी भर्ती में क्या एक्स्ट्रा किया जाए। ठीक है, तो अब इसमें एक नया मोड़ आने वाला है कि जैसे कि पता है 2017, ठीक है, 2017 के पहले जो वैकेंसी आती थी वो 12th बेस पे आती थी। कौन से बेस पे आती थी? 12th बेस पे आती थी। ठीक है, 2017 के पहले जो वैकेंसी आती थी वो कौन से बेस पे आती थी? 12th बेस पे आती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, सीधी सी बात है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है ना, तो देखो दो चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ की जगह। पहली चीज़ तो ये हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराना है, CPCT कैंसिल नहीं मांग रहे, CPCT मांग ही नहीं रहे। CPCT छोड़ा, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई भी एक्स वाई जेड कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए। आप है, ग्रेजुएशन है आपका या 12th है आपका, सोचते फॉर्म डालोगे आप, ना CPCT की आवश्यकता है, ना किसी भी प्रकार के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता है, ये फिक्स है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ठीक है ना, दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म कब भराएंगे? जब उसका स्तर नीचे कर दिया जाएगा, जब उसका स्तर कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी ग्रेजुएशन पे है, ग्रेजुएशन पे करेंगे अपन, ज़्यादा फॉर्म नहीं भराएंगे, इसीलिए इसको 12th बेस कर दिया जाए। पटवारी परीक्षा को कौन से बेस पे कर दिया है? 12th बेस पे कर दिया है। 12th बेस पे कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराएंगे। ठीक है ना, दो चीज़ें तो यहाँ पर क्लियर हो गई हैं यहाँ की जगह कि CPCT जो है आप मना कर देंगे, CPCT नहीं लेने वाले, और 12th बेस पे ये है परीक्षा का फॉर्म भराने वाला है। ठीक है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि अब सरकार इस पर वाद विवाद करेगी, चुनाव तक परीक्षा को लटकाना है, तो अब नया बयानबाजी आने वाली है कि हो सकता है पटवारी परीक्षा 12th से हो जाएगी, फिर उसमें आपत्ति लगाएंगे लोग, फिर उसके बाद उसको परीक्षा को अटकाएंगे, फिर वापस सरकार उसको 12th से ग्रेजुएशन से करेगी। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए अभी एक ही उद्देश्य, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराना, चाहे वो 12th से भराएं, चाहे ग्रेजुएशन भराएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पटवारी परीक्षा को रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा समय रोकना, क्योंकि इसके बाद 2023 के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है ना, कौन से चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी देना है। ठीक है, विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी देना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो दोनों काम में यही काम आएगी। ठीक है ना, पटवारी क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती ही है, पुलिस के बाद अगर कोई सी बड़ी भर्ती मानी जाती है तो वो मानी जाती है संविदा की और पटवारी की। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें खास थी आज आपके लिए। अगर आप वैसे, मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास है, अगर जो वीडियो देख रहा है, कोई पटवारी की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है कि आपको मौका मिल जाए। ठीक है ना, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो उनको शुभकामनाएं मेरी, बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे काम जो हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो रहे हैं, ऐसे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसी जिसकी मर्ज़ी वो काम करते रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।